ये कहता है फिजिकल क्वांटिटी एक्स डिपेंड अपॉन वाई और जेड एज फॉलो, ठीक है, यहाँ से वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, किसका इसमें से सेम डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर तुम देखोगे सेम डायमेंशन का क्या मतलब है भाई, अगर सेम डायमेंशन का मतलब यह है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो एक्स की वैल्यू ए वाई और प्लस बी टैन सी जेड के इक्वल है, तो तुम अगर देखोगे यहाँ से तो ये वाली जो चीज़ आ रही है ये वाली, तो ये एक डायमेंशनल लेस है, तो इसका और इस ये डायमेंशनल लेस है और एक्स का डायमेंशन इसके बराबर होगा और इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, मतलब तीनों ये डायमेंशनली इक्वल होंगे। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ से तो डायमेंशन के हिसाब से एक्स का डायमेंशन ए वाई के डायमेंशन के इक्वल होगा और ये सब बराबर होंगे बी सी जेड के, और इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर होगा ए वाई के और ये सब बराबर होंगे बी के, क्यों, क्योंकि सी जेड डायमेंशनल लेस है टैन थीटा। तो अगर सी और जेड डायमेंशनल लेस है तो इसकी वैल्यू वन है, तो सी का डायमेंशन वन अपन जेड के इक्वल है, मतलब ये जेड की पावर माइनस वन के इक्वल आ गया। बात आ रही समझ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का डायमेंशन जेड की पावर माइनस वन के इक्वल है, विच आर डू नॉट हैव सेम, मतलब ये बी ऑप्शन सेम डायमेंशन है, और ए और बी एक्स और बी का भी डायमेंशन सेम है, मतलब ये भी सही नहीं है। अब वाई का डायमेंशन यहाँ से निकालोगे तो वाई की डायमेंशन आ जाएगी बी अपन ए, तो वाई जो है वो बी अपन ए के डायमेंशन के बराबर है, तो इनका भी डायमेंशन सेम है, और एक्स और ए का डायमेंशन कभी सेम नहीं हो सकता क्योंकि बीच में वाई भी है, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। थैंक यू।